एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज हम एक क्यूट सा बनी बनाना सीखेंगे। ये देखिए बहुत ही क्यूट है ये बनी। आज हम इसी बनी को बनाना सीखेंगे। इस बनी को हम बच्चों के टी शर्ट में, स्वेटर में, कार्डिगन में, पेंसिल बॉक्स में, बैग्स, स्कूल बैग्स में एंड बेबी ब्लैंकेट्स में कहीं भी डेकोरेट कर सकते हैं। बहुत ही प्यारा लगेगा। तो आज हम इसी बनी को बनाना सीखेंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं एंड मेरी वीडियोस को पहली बार देख रहे हैं, तो प्लीज़ सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ में जो बेल आइकन है उसको ज़रूर प्रेस करें, ताकि मैं जब भी कोई भी वीडियो अपलोड करूं उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले आपको। वीडियो को लाइक करें, वीडियो को फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। कमेंट करके बताएगा कि मेरा बनाया है क्यूट बनी आपको कैसा लगा। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं इस क्यूट से रैबिट बनी को बनाना। इस क्यूट से बनी को बनाने के लिए हमने 4 प्लाई का यूज़ किया एंड 5 नंबर का क्रोशेट यूज़ किया है। अगर आपको इससे बड़ा बनाना है तो आप 2 प्लाई का वूल का यूज़ करें, 6 नंबर का क्रोशेट का। तो सबसे पहले हम मैच स्टिच बनाएंगे। मैजिक रिंग बनाएंगे, 4 चैन लेंगे, 1, 2, 3 एंड 4। 4 चैन लेंगे और इसी मैजिक रिंग में ट्रिपल क्रोशेट बनाएंगे, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7। 7 ट्रिपल क्रोशेट बनाएंगे, 4 चैन भी काउंट करेंगे तो हमने टोटल यहाँ पे 8 ट्रिपल क्रोशेट बनाए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। रिंग को टाइट कर देंगे, 5 चैन लेंगे, 1, 2, 3, 4 एंड 5। 5 चैन ली हमने, 1, 2 स्किप करके थर्ड से डबल क्रोशेट बनाना है, 1, नेक्स्ट में 2 एंड 3, लास्ट चैन में 3। 3 बनाएंगे। अब इस पॉइंट में हमें बनाना है डबल क्रोशेट। देखिए तो ये हमारा कंप्लीट हुआ। अब इस पॉइंट में बनाएंगे 1, 2, 3 ट्रिपल क्रोशेट में हमें 3 डबल क्रोशेट बनाने हैं। तो ये हमारा ट्रिपल क्रोशेट है, इसमें हमें 1, 2 एंड 3 3 डबल क्रोशेट बनाए। अब ये सेंटर है हमारा रिंग का, ये जो यहाँ से हमने टाइट क्लोज किया था, ये देखिए यहाँ पे 2 डबल क्रोशेट बनाने हैं, 1 एंड 2। 2 डबल क्रोशेट बनाए, इस पॉइंट में बनाना है। ये हमारा 4 चैन है, यहाँ पे हमें 5 डबल क्रोशेट बनाने हैं, 1, 2, 3, 4 एंड 5। तो हमारा ये वाला पार्ट बनकर रेडी हो गया। 5 बनाया हमने, अब हमें बनाना है 3 चैन। टेल बनाएंगे, 1, 2, 3। 3 चैन बनाई हमने। अब यहाँ से 2 लूप उठाते हुए हमें डबल क्रोशेट बनाना है, 1, 2 एंड 3। 3 डबल क्रोशेट बनाएंगे, 3 चैन, सेम प्लेस में जहाँ से हमने डबल क्रोशेट बनाए थे उठा के 2 लूप से, यहीं पे हमें स्लिप स्टिच लगाना है, लॉक कर देना। तो ये हमारी टेल बनकर रेडी हो गई। नेक्स्ट में नेक्स्ट ये स्पेस है, नेक्स्ट स्टिच में हमें 1 डबल क्रोशेट बनाने हैं। नेक्स्ट 4 स्टिच में 1, 2, 3 एंड 4 स्टिच में हमें बनाने हैं 2 डबल क्रोशेट। नेक्स्ट में बनाएंगे 1
एंड टू डबल क्रोशेट टू, यहाँ पे इंक्रीज करेंगे वन एंड टू, वन एंड टू। नेक्स्ट फोर स्टिच में हमें टू टू डबल क्रोशेट बनाना है, तो ये हमने बनाया वन टू थ्री एंड फोर, वन एंड टू। यहाँ पे हमें बनाना है थ्री डबल क्रोशेट, वन टू एंड थ्री, थ्री डबल क्रोशेट बना। तो ये हमारा ये वाला पार्ट रेडी हो गया बनके, चैन टू वन डबल क्रोशेट बनाएंगे सेम स्टिच में। नेक्स्ट में वन डबल क्रोशेट, फिर नेक्स्ट में वन डबल क्रोशेट, नेक्स्ट स्टिच में वन डबल क्रोशेट, सेम प्लेस में टू। यहाँ पे हमने टू डबल क्रोशेट बनाया। नेक्स्ट स्टिच में बनाएंगे वन डबल क्रोशेट, फिर नेक्स्ट स्टिच में बनाएंगे टू डबल क्रोशेट, वन एंड टू। नेक्स्ट स्टिच में हाफ डबल क्रोशेट, अब यहाँ से हमारा शेप डाउन होगा, हाफ डबल क्रोशेट बनाएंगे। नेक्स्ट स्टिच में हाफ डबल क्रोशेट बनाएंगे, नेक्स्ट स्टिच में टू सिंगल क्रोशेट बनाएंगे, वन एंड टू। नेक्स्ट में स्लिप स्टिच, फिर नेक्स्ट में लेंगे हम स्लिप स्टिच, चैन वन, टर्न योर वर्क। देखिए चैन वन लिया हमने, वर्क को टर्न किया, अब हमको वन स्किप, वन स्टिच स्किप करके नेक्स्ट में स्लिप स्टिच लेना है। ये वन स्टिच स्किप करके नेक्स्ट में स्लिप स्टिच लेंगे वन, फिर नेक्स्ट में हम स्लिप स्टिच लेंगे टू। ये शेप हमारा बनकर रेडी होगा, ये वाला पॉइंट बनकर रेडी होगा। नेक्स्ट में टू सिंगल क्रोशेट लेंगे, वन एंड टू सेम प्लेस में। नेक्स्ट में हाफ डबल क्रोशेट लेंगे, फिर नेक्स्ट में टू डबल क्रोशेट लेंगे, वन वन एंड टू, टू डबल क्रोशेट लिया हमने। नेक्स्ट में वन टू थ्री कंटिन्यू, वन टू एंड थ्री डबल क्रोशेट लिया हमने। नेक्स्ट स्टिच में लेंगे टू डबल क्रोशेट, वन सेम प्लेस में टू। नेक्स्ट स्टिच में लेंगे वन डबल क्रोशेट, वन नेक्स्ट में, नेक्स्ट स्टिच में लेंगे वन डबल क्रोशेट सेम प्लेस में टू, नेक्स्ट स्टिच में लेंगे वन डबल क्रोशेट। ये हमारी लास्ट स्टिच है, ये देखिए वन एंड टू है यहाँ पे। यहाँ पे हमने टू चैन लिया था, ये इस पे पॉइंट में हम बनाएंगे थ्री डबल क्रोशेट कंटिन्यू, वन टू एंड थ्री। ये शेप है, यहाँ से हम इसके ये लेग बनाएंगे, पैर बनाएंगे। यहाँ से हमें चैन क्रिएट करनी है, यहाँ पे फोर चैन क्रिएट करनी है। सेम प्लेस से बनाएंगे, जो थ्री डबल क्रोशेट है सेम प्लेस से वन डबल क्रोशेट बनाएंगे। डबल क्रोशेट बनाया आपने, देखिए पहले वन लूप से निकालेंगे, ये हमारी वन चैन बनकर रेडी हो गई। वन लूप से निकालेंगे, टू लूप से,
फिर टू लूप्स, ये हमारा वन डबल क्रोशेट है। फिर हम चैन से लेंगे, ये चैन है, इसी में से डालेंगे, बैक साइड से एक लूप उठाएंगे, बनाएंगे, फिर सेम बनाएंगे, पहले वन डबल क्रोशेट से निकालेंगे, फिर वन से, यहाँ पे हमने टू डबल क्रोशेट बनाए, फिर सेम बनाएंगे, टू लूप उठाए, ये हमारी थर्ड चैन बन रही है, टू हमने बनाई, वन एंड टू, देखिए थर्ड बन रही है। पहले हम वन चैन से निकाला हमने, फिर टू लूप से निकालेंगे, फिर टू लूप, यहाँ पे हमने थ्री डबल क्रोशेट बनाए, लास्ट बनाएंगे, सेम बनाएंगे, पहले वन लूप से निकालेंगे, टू, यहाँ पे हमने फोर डबल क्रोशेट बनाए, देखिए वन टू थ्री फोर, न्यू चैन यहाँ पे क्रिएट हो गए। अब हम यहाँ तक हमने बना के कंप्लीट किया, ये कंप्लीट किया, वर्क को टर्न किया हमने, स्लिप स्टिच लेंगे, वन टू थ्री, स्लिप स्टिच ही लेंगे, फोर एंड ये फाइव, फाइव स्लिप स्टिच ली हमने, चैन टू, सेम चैन टू, सेम प्लेस में बनाएंगे वन डबल क्रोशेट, ये हमारी रोडिक ओनली, यहाँ पे इंक्रीज करेंगे, इस पार्ट को बनाएंगे, ये वाला पार्ट है, इस पार्ट चैन टू चैन लेके सेम प्लेस में वन डबल क्रोशेट बनाया, नेक्स्ट में वन डबल क्रोशेट, नेक्स्ट में टू डबल क्रोशेट, वन एंड टू, फिर नेक्स्ट में वन डबल क्रोशेट, नेक्स्ट में टू डबल क्रोशेट, वन एंड टू, नेक्स्ट स्टिच में वन डबल क्रोशेट, नेक्स्ट स्टिच में टू डबल क्रोशेट, वन एंड टू, यहाँ पे हमने वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स एंड सेवन, सेवन स्टिच में हमने बनाए, टू डबल क्रोशेट, वन टू वन टू वन टू। अब हम बनी के ईयर बनाएंगे, यहाँ से बनाना स्टार्ट करेंगे, चैन टेन लेंगे, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन एंड टेन, टेन चैन ली, ये हम बैक साइड से बनाएंगे, देखिए वन एंड टू, थर्ड में हाफ डबल क्रोशेट लेंगे, वन, नेक्स्ट में हाफ डबल क्रोशेट, वन, नेक्स्ट में डबल क्रोशेट, वन, नेक्स्ट में डबल क्रोशेट, टू डबल क्रोशेट, थ्री, नेक्स्ट में डबल क्रोशेट, फोर, कंटिन्यू हमने फोर डबल क्रोशेट बनाए, यहाँ पे हमारी अब टू स्टिच है, हाफ डबल क्रोशेट बनाएंगे, वन नेक्स्ट में टू, ये स्किप वन स्टिच, नेक्स्ट में स्लिप स्टिच लेंगे, देखिए जहाँ से चैन स्टार्ट की थी इसको स्किप करके नेक्स्ट में स्लिप स्टिच लेंगे, ये स्लिप स्टिच से ज्वाइन किया, टेन चैन लेंगे, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन एंड टेन, फिर से सेम बनाएंगे, वन टू स्किप करके थर्ड में हाफ डबल क्रोशेट, वन नेक्स्ट में हाफ डबल क्रोशेट, नेक्स्ट स्टिच में बनाएंगे डबल क्रोशेट, वन नेक्स्ट में टू, नेक्स्ट में थ्री,
नेक्स्ट फोर, फोर हाफ डबल क्रोशे बनाए, वन डबल क्रोशे, सॉरी वन हाफ डबल क्रोशे बनाएंगे नेक्स्ट में, फिर लास्ट वन नेक्स्ट में हाफ डबल क्रोशे बनाया हमने, स्लिप स्टिच से ज्वाइन कर देंगे। ये हमारा दूसरा काम ही बनकर रेडी हो गया। ये देखिए, ये जो हमारी नेक्स्ट स्टिच है इसमें हम ज्वाइन कर देंगे स्लिप स्टिच से। चैन टू, सेम प्लेस में लेंगे वन डबल क्रोशर। अब हम शेप देंगे हेड का, ट्रायंगल शेप बनाएंगे, वन डबल क्रोशर बनाएंगे। तो ये हमारे टू डबल क्रोशर है। नेक्स्ट में वन डीसी, वन डबल क्रोशर बनाएंगे। नेक्स्ट स्टिच में वन ट्रिपल क्रोशर बनाएंगे, थ्री टाइम निकालेंगे टू टू लूप से। ये देखिए ट्रिपल क्रोशर बनाएंगे, नेक्स्ट में ट्रिपल क्रोशर बनाएंगे वन, सेम प्लेस में टू, नेक्स्ट में डबल क्रोशर बनाएंगे वन, नेक्स्ट में हाफ डबल क्रोशर बनाएंगे। ये धीरे धीरे हेड डाउन होगा। देखिए शेप आ गया यहाँ पे। नेक्स्ट में सिंगल क्रोशर बनाएंगे वन। नेक्स्ट में लास्ट है, यहाँ पे हमें स्लिप स्टिच लेना है वन, ज्वाइन कर देंगे स्लिप स्टिच से। ये बनी का हेड बनकर रेडी हो गया ट्रायंगल शेप में। वूल को कट कर देंगे और बैक साइड से इन कर देंगे। ये देखिए ईयर बनकर रेडी हो गया, पूरा बनी हमारा बनकर रेडी हो गया। इसमें आइज लगाएंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमने अपना क्यूट सा बनी बनाकर रेडी किया, आइज भी स्टिक कर दी। ये देखिए, तो फ्रेंड्स अगर मेरा एक क्यूट सा बनी थोड़ा सा भी पसंद आए तो मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को फैमिली एंड फ्रेंड के साथ शेयर करें। कमेंट करके बताएगा कि क्यूट सा बनी आपको कैसा लगा। चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में और भी एक ब्यूटीफुल डिज़ाइन के साथ।